यमुनोत्री धाम के बाद गंगोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं के बाद अब तीव्र पुरोहितों ने भी हंगामा कर दिया है। ट्रैफिक जाम से श्रद्धालुओं के हालात में इतने खराब हो गए कि यात्री अपने होटलों तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। जाम से जूझते श्रद्धालुओं को 22 घंटों से गाड़ियों में बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। करीबन 60 किलोमीटर लगे लंबे जाम से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए वन वे सिस्टम शुरू किया था। यात्रियों ने सोमवार सुबह से शाम तक मार्ग खुलने का इंतजार करते रहे और अंत में श्रद्धालुओं का सब्र टूट गया। श्रद्धालु आक्रोशित होकर सरकार पर बरस पड़े। गंगोत्री तीर्थ पुरोहित अशोक सोमवार और राजेश सोमवार ने बताया कि सोमवार दोपहर के बाद मंगलवार सुबह तक गंगोत्री धाम में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां मंदिर की बात करें या घाटों या होटलों की, तो पूरे गंगोत्री धाम में सन्नाटा पसरा हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा जो भी इंतजाम किए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है। बता दें कि चारधाम यात्रा के चौथे और पांचवें दिन भी हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। हाँ, 4 बजे बनेरी से निकले और हम अब पहुंचे हैं यहाँ गंगोत्री में। ना तो टॉयलेट बाथरूम की कहीं सुविधा, हर सील में हमें जाम में पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई जाम में। हर सील में कोई सील में दिखाई दिए 2-4 पुलिस वाले, और रात में कोई पुलिस वाले फिर नजर नहीं आया। उन्होंने भी शहर में दबा दी गाड़ी के, यहाँ दबा दो गाड़ी। जनपद उत्तरकाशी के धराली में स्थित भगवान कल्प केदार मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ खोल दिए गए। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस मंदिर के दर्शन मात्र से चारों धामों का पुण्य प्राप्त होता है। प्राचीन काल में शंकराचार्य के सनातन धर्म के पुनरुत्थान अभियान के तहत यहां भी मंदिर समूह स्थापित किए गए। इस समूह में 240 मंदिर थे, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में श्रीखंड पर्वत से निकलने वाली खीरगंगा नदी में आई बाढ़ से कई मंदिर मलबे में दब गए। सन 1816 में गंगा भागीरथी के उद्गम की खोज में निकले अंग्रेज यात्री जेम्स विलियम फ्रेजर ने अपने वृतांत में धराली में मंदिरों में विश्राम करने का उल्लेख किया है। इसके बाद सन 1869 में गोमुख तक पहुंचे अंग्रेज फोटोग्राफर और खोजकर्ता सैमुअल ब्राउन ने धराली में 3 प्राचीन मंदिरों की फोटो भी खींची, जो पुरातत्व विभाग के पास सुरक्षित है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। ग्राम धराली में कल्प केदार, भगवान कल्प केदार के कपाट उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं यहां पर जितने भी बाहर से आए श्रद्धालु हैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ऐसा पहली बार हमारे ग्राम धराली में हुआ, जो हमारे कल्प केदार की भव्यता और दिव्यता का जो हमने एक नया रूप दिया है, जिससे पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि समुचित विश्व सराहना कर रहा है। और इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, ये एक प्रकार का संदेश पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश विदेश और क्षेत्र में देंगे।